कल से ही सारे जो है ना इंडिया के में आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज लास्ट डे में 10 तारीख है वैसे तो, बिल्कुल G20 की मीटिंग चल रही है, लेकिन उसका स्वागत पीएम मोदी ने खुद बहुत ही अच्छे तरीके से किया, जो कि देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते हैं आज वीडियो। चलिए, चर्चा करता आया है और ये है वो एक्सपर्ट्स के जरिए, इन इंटरनेशनल एजेंसीज के जरिए G20 जैसे मोर्चों को क्रेडिबिलिटी मिलती है, क्योंकि अगर आप G7 से केवल तुलना करें तो हालांकि अनौपचारिक तौर पर आप देखें तो G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात सुगु असाकावा, जिनका भारत मंडप में आगमन हो चुका है। पहले मेहमान नंबर पे ये हैं। आज के G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी विकास की सोच को आगे बढ़ाता है, बहुत ही आवश्यक। इसी सोच के तहत ये बैंक विभिन्न देशों को वित्त भी उपलब्ध कराता है और ये विकास को भी गति देता है। इन मायनों में एशिया के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक अपनी भूमिका लगातार बढ़ाता रहा है। बहुत बड़ी भूमिका, 21वीं सदी, एशिया की सदी, और एशिया में फाइनेंस की जो समस्या है उसको जितने भी कंट्रीज दूर करने के लिए एडीबी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कैसे इसको और सशक्त किया जाए, कैसे इसका बेहतर कैपिटलाइजेशन किया जाए, उस पर भी फोकस एडीबी का इस वक्त आप देख रहे हैं। भारत मंडपम के अंदर की तस्वीरें जहां पर लोक मुद्राएं भारत की संस्कृति और सभ्यता से हमारे विदेशी मेहमानों को परिचित कराते हुए नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक रूप से इन सभी नेताओं का स्वागत करेंगे। वाह क्या बात है, उनका खुद वेलकम करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात सुगु असाकावा जो भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं, और अब कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री उनका औपचारिक स्वागत करेंगे भारत मंडपम में। जिस जिस स्थान से हमारे राष्ट्राध्यक्ष विभिन्न मेहमान गुजरेंगे उन्हें फ्लैग्स के द्वारा झंडे लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, और भारत मंडपम की खूबसूरती से दो चार होते हुए ये सभी हमारे मेहमान मुख्य स्थल तक पहुंचे। एशियाई क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एडीबी बहुत ही महत्वपूर्ण किया है, और भारत एक बहुत ही अहम हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात सुगु असाकावा का स्वागत है। ये लगातार आगे बढ़ेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अध्यक्ष क्लास नॉट भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं। 2021 से ही वे FSB के अध्यक्ष रहे हैं। देख रहे हैं सभी बड़े गोल के साथ सेंट्रल बैंक के गवर्नर अच्छा है। उन्होंने ये वाला सारा जो रेड कार्पेट बिछाया हुआ है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के भी सदस्य हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB के अध्यक्ष क्लास नॉट का स्वागत करते हुए, और FSB बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि IMF के साथ मिलकर के इन्होंने सिंथेसिस पेपर तैयार किया है। भारत ने जो अपनी प्रेसिडेंसी में क्रिप्टो को रेगुलेशन को लेकर के प्राथमिकता दिखाई, उस पर काफी इंपॉर्टेंट। और इस वक्त अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के डायरेक्टर जनरल गिल्बर्ट F. हाउंगबो, ये भी वो जो ना इदारे हैं ना उनके भी काफी ज्यादा लोग हैं। ILO के 11वें डायरेक्टर जनरल हैं और वे पहले अफ्रीका महाद्वीप के नागरिक हैं जिन्हें ये पद मिला है। 2022 से ही वे इस पद पर आसीन हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के डायरेक्टर जनरल गिल्बर्ट F. हाउंगबो का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये हैंडशेक बहुत कुछ बयां करता है। G20 की अध्यक्षता में मिनिस्ट्रियल कम्युनिके और आउटकम डॉक्यूमेंट जो कि लेबर पर है उसको भी स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो वर्ल्ड बैंक की CEO भी रह चुकी हैं और 3 महीने के लिए इंटरिम प्रेसिडेंट भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की रह चुकी हैं, और कल हमने देखा कि जब इनका आगमन हुआ था हवाई अड्डे पर तो भारत की संस्कृति को देख वे बेहद आनंदित हो रही थी, स्वयं भी नृत्य में जुड़ रही थी, और इसी जोश और उत्साह के साथ
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलीना जॉर्जीवा का प्रवेश भारत मंडपम में। अरे बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया कल ही कि इंडिया का जो इंडिया जो है एक शाइनिंग एग्जांपल है इन अ वर्ल्ड ऑफ फेसिंग मेनी अनसर्टेनिटीज एंड द रोबस्ट इकोनॉमी इज प्राइमरी रूटेड इन द सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट इंडिया हैव ओवरटेकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IMF के चीफ का स्वागत करते हुए और IMF की अध्यक्षता में बहुत सारे मुद्दों पर मंथन हुआ और भारत की प्रेसिडेंसी IMF ने खुल करके उनका स्वागत किया और प्रेसिडेंसी को पूरा समर्थन IMF ने जताया है। IMF के कई सारे सिंथेसिस पेपर भी मतलब यार कितने खुशी के साथ मिल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है कि इससे उपराष्ट्रपति के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो इससे पहले यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के कमिश्नर भी रह चुके हैं, 10 साल तक वे वंचित और संवेदनशील समूहों उनके मुश्किलों को बहुत करीब से महसूस करते रहे हैं। ये ज्ञात रहे कि जब वो कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज थे उस वक्त सीरिया, इराक, सूडान, यमन इनके विस्थापितों का दर्द भी उन्होंने करीब से देखा है। वे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी जनरल के तौर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, कई महत्वपूर्ण शुरुआत की है। वैसे यूनाइटेड नेशंस के लिहाज से ये समझना जरूरी है कि कल ही उन्होंने बड़ा बयान दिया कि यूनाइटेड नेशंस में भी रिफॉर्म के लिए वो तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस के चीफ के तौर पर ये बड़ा बयान भारत की प्रेसिडेंसी में आना और भारत की प्रेसिडेंसी को समर्थन देना यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का स्वागत करते हुए बातें देखो कर रहे हैं, मतलब कितने प्यार। अभी तो वैसे थोड़ा सा टाइम है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बातें होती है। वेलकम किया गया, कैसा लगा ये बस पूछ के ले चलो जी आगे। ये ना कहीं पंजाब के टाइप के कनाडा के तो नहीं कहीं पता नहीं कौन अभी बताते हैं। अरे ये क्यों नहीं बता रहे, ये भी बताना चाहिए। बांग्लादेश वे पहले श्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें IMF वर्ल्ड बैंक दोनों की अध्यक्षता उन्होंने संभाली है और महत्वपूर्ण बात कि उनका बिजनेस वर्ल्ड में भी काफ़ी महत्वपूर्ण अनुभव रहा है जिसके बाद वे फिलहाल वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और इस वक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस पहले डायरेक्टर जनरल जो अफ्रीकन रीजन से WHO के डायरेक्टर जनरल बने। उन्हें मलेरिया पर अनुसंधानकर्ता के रूप में विश्व में पहचाना जाता है और डायरेक्टर जनरल बनने से पहले वे वैश्विक स्वास्थ्य से भी जुड़े रहे हैं। ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस के भी वे अध्यक्ष रहे हैं और जिस वक्त कोविड महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ लिया था उस वक्त उनकी अध्यक्षता में WHO ने महत्वपूर्ण कार्य किए और इस स्थिति में विश्व के समक्ष एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी प्रस्तुत किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस। G20 के अध्यक्षता में वन हेल्थ अप्रोच पर एक बड़ा फोकस और WHO की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। वर्किंग ग्रुप की हम बात करें तो भारत की अध्यक्षता में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ इसको अडॉप्ट किया गया है, वो लीडर्स के समिट के दौरान उसे रखा जाएगा और अगर उसको समर्थन मिलता है तो ये विश्व के स्वास्थ्य को और ज़्यादा समावेशी बनाने के लिए और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए बहुत बड़े मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस का स्वागत करते हुए। उनसे मुझे लगता है पूछ रहे हैं कि ये आपको क्या हुआ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में। संकेतिक रूप से लगता है कि उनका हाल चाल लग रहा है प्रधानमंत्री। और अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सेक्रेटरी जनरल मथियास कामन जो ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हुए। इंटरनेशनल टैक्सेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग में OECD की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, उनके रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और जो G20 के वर्किंग ग्रुप हैं उनको अपनी चर्चाओं को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इनवाइट किए जाते हैं G20 के सम्मेलन में बहुत ही खास इनपुट्स के लिए, जो डिसीजन मेकिंग में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, वैश्विक स्तर पर मुद्दों पर समावेशी विकास को समाहित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अफ्रीका के किस कंट्री का लग रहा है? और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल गोजी डायरेक्टर जनरल रही है WTO की, और पहले अफ्रीकी नागरिक जिन्हें WTO की अध्यक्षता मिली है, गोजी ओकोंजो इवियाला, जो ग्लोबल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में काम करने का इन्हें 40 वर्षों का अनुभव रहा है और अंतर्राष्ट्रीय विकास के विशेषज्ञ इन्हें माना जाता है और फिलहाल WTO की अध्यक्षता संभाल रही है। 21वीं सदी के लिए WTO को तैयार करना, WTO में रिफॉर्म, इसकी लगातार बात करता रहा है भारत, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्पष्ट तौर पर WTO में रिफॉर्म्स की वकालत की और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप में WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भारत लगातार बात करता रहा है कि विकासशील देशों को, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को WTO में और ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए, मार्केट एक्सेस में जो विकसित देश हैं विकासशील देशों की मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोजी ओकोंजो इवियाला WTO के डायरेक्टर जनरल का स्वागत करते हुए। बड़ा खुशगवार माहौल है सबके साथ। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष जिनका आगमन हो रहा है, और अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असुमानी इस वक्त मंडपम में प्रवेश करते हुए, अफ्रीकी संघ जिसको इस शिखर सम्मेलन में सदस्यता मिल सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असुमानी का स्वागत और जिस तरीके से गले लगकर गर्मजोशी के साथ हैंडशेक किया जा रहा है, ये बताती है कि अफ्रीकी संघ को G20 शिखर सम्मेलन में सदस्यता मिलने के आसार इन्हें भी शामिल किया जाए। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ सकती है दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट शायद दिल्ली से निकल सकता अभी तक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष इनका स्वागत हो रहा है और अब आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि और अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष जिनका स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ओमान के उप प्रधानमंत्री सईद असाद बिन तारिक अल सईद जिनका आगमन मंडपम में, ओमान की कैबिनेट काला पहनते हैं, काले कलर का, वैसे वो जो सऊदी हैं और जो व्हाइट पहनते हैं, खास तौर जो भी अरबी वैसे होते हैं वो अपने देश ओमान का व्हाइट कलर पहना है। G20 में आमंत्रित देश के तौर पर अपने भाई ड्रेस पहन के आते पता चले कि हम कहां से हैं, कल्चर का पता लगे। पीएम मोदी ने भी तो इंडिया का जो ड्रेस इनके लिए जो सर पे बांधा ना, इन्होंने स्टाइल है ये वाला, जमीन पर उतारते हुए भारत मंडपम में G20 की अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन से ठीक पहले, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उसके बाद अतिथि राष्ट्र, उनका स्वागत, ये हमारी परंपरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन अतिथि देशों का G20 की बैठकों में शामिल होना, एक ग्लोबल इम्पॉर्टेंस उनके लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के उप प्रधानमंत्री सईद असाद बिन तारिक अल सईद का स्वागत करते हुए, फॉर्मल फोटो ऑप और आमंत्रित देशों की फेहरिस्त में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जिनका आगमन हो गया है। बांग्लादेश हमारा बेहद करीबी पड़ोसी देश, कल ही प्रधानमंत्री की बांग्लादेश के साथ वार्ता भी हुई और प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस द्विपक्षीय वार्ता में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ाना, कमर्शियल लिंकेजेस को बढ़ाना, कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का औपचारिक स्वागत करते हुए, पड़ोसी देशों के साथ भारत सदा ही अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने में जुड़ा रहता है और ऐसे में बांग्लादेश मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी, इजिप्ट जहां पर भारत अपने बहुत ही करीबी रिश्ते साझा करता है और राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के साथ अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट, और आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में इजिप्ट की यात्रा भी की और दोनों देशों और ऐतिहासिक यात्रा इजिप्ट की यात्रा कर गया और दोस्तों के साथ उनका स्वागत किया गया। और मुझे लगता है कि वहीं पे इनविटेशन प्रधानमंत्री इनविटेशन देके आ गए आप भी। प्रधानमंत्री इनवाइट किया ना जी, राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी का स्वागत करते हुए हैंडशेक करते हुए। कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्रभावित ये दृश्य और इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि जब ये औपचारिक फोटो ऑफ हो रहा हो तो भारत की संस्कृति की इस अमूल्य धरोहर का भी एक उदाहरण विश्व के साथ रहे। और इस वक्त मॉरिशियस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं। मॉरिशियस के साथ भारत द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशियस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इस वक्त दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष का जश्न भी मनाया जा रहा है। और द्विपक्षीय वार्ताओं में भी फिनटेक, ढांचागत विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी जोर रहा, क्योंकि मॉरिशियस पहला ऐसा देश है अफ्रीकी महाद्वीप का जिसके साथ सेपा भी अग्रीमेंट पर भी आगे हम बढ़ चुके हैं, इसको भी हम साझा करते हैं। तो दोनों देशों के बीच के रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण। भारतीय मूल के कई नागरिक मॉरिशस में अपने कारोबारी संबंधों को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं और मॉरिशस को टैक्स ट्रीटीज के लिहाज से भारत के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण। इस वक्त दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यो विश्वास की विरासत को आगे ले जाने पर सहमत हुए हैं, मित्रता को और अब G20 का मंच तैयार। और पूरे साल हमने सहयोग देखा कोरिया का भारत की तमाम प्राथमिकताओं पर और स्पष्ट तौर पर सांस्कृतिक लिहाज से दोनों देश और ज्यादा करीब आते हुए। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यो जिनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इनके साथ भी काफी अच्छे रिलेशन होते हैं तो होंगे ही वहां पे भी इतने ज्यादा रहते हैं कोरिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से इस औपचारिक स्वागत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए G20 शिखर सम्मेलन जिससे पूरे विश्व को उम्मीदें हैं और जिन देशों को यहाँ G20 शिखर सम्मेलन में जिनके फ्लैग्स हम देख सकते हैं मंडपम के बाहर सजे हुए, लेकिन इन सभी देशों के ऊपर जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है कि इस शिखर सम्मेलन से कुछ ठोस निकल कर सामने आए, कुछ ऐसा निकल कर सामने आए जो विश्व के विकास को गति दे सके। इस वक्त कोविड महामारी से कितने ही देश हैं जो उभर रहे हैं, इस वक्त कोविड महामारी के बाद विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, ऐसे में सभी देशों को एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान कर रहा है भारत इस भारत मंडपम से। और इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, श्री एम सिरिल रामाफोसा जो रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता रहे हैं, ट्रेड यूनियन के नेता रहे हैं, व्यापारी भी रहे हैं। 2014 से 2018 तक आप दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति रहे और अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान और G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा का आगमन। हाल ही में ब्रिक्स समिट की सारे मतलब जो सफल मेजबानी करने के बाद अब G20 के मंच पर सारे दोनों ही मीटिंग का मकसद कुछ ही दिनों में मिलते हुए विकासशील देशों के साझा हितों को वैश्विक मंच प्रदान करते हुए दोनों देशों के संबंध कारोबारी तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और मानवीय तौर पर बहुत ही प्रगाढ़, बहुत ही प्राचीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा का स्वागत करते हुए हैंडशेक करते हुए फॉर्मल फोटो ऑप देते हुए स्वागत किया भाई, बहुत अच्छे तरीके से, कितने खुश हो रहे हैं। वाओ क्या बात, बड़ा प्यारा है ना, खूबसूरती इस मौसम में देखते ही बनती है।
विशेषकर रात के वक्त जब ये रोशनी से जगमगा उठता है तब ये उम्मीद की जाती है कि ये रोशनी पूरे विश्व को रोशन करे। तो बहुत ही प्यारा। और ऐसे में आज जब मौसम भी बेहद सुहावना है ये दिखाता है कि दिल्ली मौसम के साथ भी तैयार है अपने गणमान्य अतिथिगण का स्वागत करने के लिए। बारिश वाला मौसम ये विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो शक्तिशाली नेता है और ये विभिन्न राष्ट्र जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विराजमान है इन सभी राष्ट्रों का और राष्ट्राध्यक्षों का एक ही मंच पर आज उपस्थित होना महत्वपूर्ण संकेत। और इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगान का भारत मंडपम में आगमन। 2003 से 2014 तक आप तुर्की के प्रधानमंत्री रहे हैं, इससे पहले आप इस्तांबुल के मेयर भी रहे हैं और अब तुर्की के राष्ट्रपति के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए और G20 के मंच पर अपने देश को प्रस्तुत करते हुए। तुर्की ने 2015 में G20 की अध्यक्षता संभाली थी और उस वक्त इंक्लूसिवनेस, इन्वेस्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के 3 I के इर्द गिर्द पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी तुर्की की थी। और भारत की प्रेसिडेंसी में इंक्लूसिव एक पहला एजेंडा जिसको कहा जा सकता है और एक्शन ओरिएंटेड जो हमारा अंतिम एजेंडा है जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ सकते हैं। तो दोनों ही प्रेसिडेंसी में काफ़ी समानता दिखाई देती हुई और बहुत ही। और 2015 में जब तुर्की की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था तब W20 विमेन 20 का भी एंगेजमेंट ग्रुप जिसका निर्माण किया गया था, जिसका गठन किया गया था और वहीं से महिला विमर्श के मुद्दों को भी आगे बढ़ाया गया, जिससे पहले G20 में कोई महिलाओं के मुद्दे पर विमर्श का अलग से कोई समूह नहीं था। तो तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगान का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री। अभी अभी इलेक्शन जीते हैं ये अभी फिर से बन गया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का आगमन भारत मंडपम में। भारतीय मूल के पहले आए तो कितनी ज्यादा खुशी होती है। प्रधानमंत्री पहले ब्रिटिश एशियन जिन्होंने पद संभाला है और आप पहले राजकोष के चांसलर भी रह चुके हैं, ट्रेजरी के मुख्य सचिव भी रहे देश में और अब बड़ी खुशी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए ऋषि सुनक। हमने देखा कि कल जैसे ही वे हवाई जहाज से उतरे उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ गले मिलते हुए ऋषि सुनक के साथ और हैंडशेक करते हुए औपचारिक स्वागत। G20 और सबकी निगाहें होंगी भारत यूके FTA वार्ता पर जो कि बहुत ही फाइनल स्टेज में है और दोनों दे सकते हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर होंगी कि भारत यूके FTA को लेकर के दोनों देश कैसे आगे बढ़ते हैं बड़े और यूके में के सभी मुद्दों पर समर्थन करते हुए ऋषि सुनक स्पष्ट तौर पर खुले तौर पर औपचारिक तौर पर भारत का समर्थन। यही तो ही बात होती है भाई, अब अपने कंट्री का वीडियो देख बहुत ज्यादा अच्छा हमें लगा क्योंकि इस वीडियो में ना जो छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं ना उनको भी इन्वाइट किया गया है, उनको बुलाया गया ताकि जो रिच कंट्रीज आएंगे उन पर भी थोड़ी अपनी नजर सानी कर सके ताकि पता चल पाए यार के उनके हालात कितने ज्यादा बुरे हैं। में तो सिर्फ 20 भी आएंगे ना लेकिन ये बाद वाले ये जो है पहले इनवाइट किया गया बहुत सी कंट्रीज को। अभी ये जो मेंबर थे ना वो आ रहे थे जो ऋषि सुनक का यूके के तो इनके साथ तो काफी ज्यादा ना इनकी लंबी गुफ्तगू हो गई क्योंकि आपको पता है कि जब आपके ही कंट्री का कोई बंदा दूसरे कंट्री में जाके इस तरह से बन जाए प्रेसिडेंट तो आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि यार हमारे कंट्री का बंदा जाके वहाँ पे बन गया तो इससे बड़ी खुशी की बात होगी। मीटिंग काफी ज्यादा अहम है और आज इसका लास्ट डे है तो आज काफी ज्यादा अहम मीटिंग्स होंगी इनकी और ये बहुत ही ज्यादा ना इससे सारी कंट्रीज को फायदा होता है क्योंकि ये दुनिया की जो 85% वो होती है ना GDP या सारा कुछ जो चला रही होती है ये वो वाली कंट्रीज हैं क्योंकि बाकी कंट्रीज होती हैं उनकी इकोनॉमीज जो होती हैं इतनी ज़्यादा नहीं होती इस काबिल। तो ये बहुत ही अभी अहम टाइम है कि ये दुनिया पर पूरी तरह से तवज्जो करेंगे, ध्यान देंगे तो इसमें फैसले बहुत होंगे, दुनिया पे ध्यान देंगे। इसी वजह से तो जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं ना उनको इन्वाइट किया गया ताकि ये जो बड़े कंट्रीज हैं उन पर नज़रसानी करें, उन पर थोड़ा इन्वेस्ट करें या फिर उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकें क्योंकि यही मौका एक होता है जब G20 में, वरना तो सारे देश कभी भी इकट्ठे होते नहीं है कहीं पे भी। तो ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे सभी इकट्ठे होते हैं तो पीएम मोदी ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ऐसे कंट्रीज को भी बुलाऊं जो मतलब जिनको कोई नहीं जानता तो उन्होंने उन ऐसे कंट्रीज को बुलाया और उनका स्वागत भी बिल्कुल अफ्रीका से भी बुलाया क्योंकि आपको पता है कि अफ्रीका के हालात कितने ज्यादा बुरे हैं तो उन्होंने वहाँ के वहाँ को भी बुला के तो उन्होंने कोशिश यही करनी है अभी क्योंकि पीएम मोदी का यही है कि हम ये नहीं कि जो
मतलब रिच है उससे रिच को और रिच बनाते जाए, जो मतलब गरीब है उनको भी हम रिच बनाए, ये उनका एक G20 का खासा मकसद है जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी। हाँ, स्वागत किया है सभी का काफी टाइम से, क्योंकि इतनी ज्यादा कंट्रीज के लोग आ रहे थे। हाँ, कोई एक दो घंटा खड़े हो गए किसी का इस तरह से वेलकम करना, ये बहुत बड़ी एक बात होती है जब सभी जो आ रहे होते हैं उनको खुशी होती है कि यार इनके तो जो PM है वो खुद हमारा इतना ज्यादा अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हैं। वरना तो आपको पता है कि कौन इस तरह से इतनी ज्यादा रेड कारपेट बिछा कर गाड़ी इतनी अच्छी, फिर ऊपर से उनके लिए पूरा शहर का नक्शा ही बदल दिया उन्होंने पकड़ के, तो इससे बड़ी और क्या प्राउड की बात हो सकती है। और जितने भी थे भाई सभी के PM मोदी के साथ लग रहा था कि उनकी बहुत ज्यादा ना अंडरस्टैंडिंग है, जितने अच्छे तरीके से उनके साथ बात करें तो काफी अच्छा लगा यार इन सभी को, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमें तो देखे कि इनका तालुका जो है काफी कंट्रीज के साथ अच्छे हैं। तो ये आप अपने बलबूते पे जो तालुका होते हैं वो अच्छे बनाते हैं, वरना दुनिया इज्जत उसी की करती है जिसके पास पैसा होता है। तो इंडिया ने खुद की इज्जत खुद बनाई है, तो यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाली है, यहाँ पे डील्स बहुत ज्यादा होंगी, बहुत कुछ होगा अभी। तो जो भी वीडियोस आएंगे आपके लिए जरूर लाएंगे। तो वीडियो ये कैसी लगी प्लीज बताएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं एक और वीडियो। थैंक यू।